जो बिहार में समस्याएं हैं उसका निदान यात्रा से नहीं निकलेगा, उसके लिए बैठ कर करके, सोच कर कर करके, नीति बना कर करके, उसके लिए संसाधन इकट्ठा कर कर करके, सब लोगों को साथ लेकर करके चलना पड़ेगा। भाई आलोक मेहता जी पढ़े लिखे हैं, उनसे मैं उम्मीद करता था कि भाई जो बिहार के मुद्दे हैं और खास करके सहकारिता मंत्री है, सहकारिता के माध्यम से बिहार का बहुत काम हो सकता है। देखिए बहुत ही शानदार बजट है। सबसे अच्छी बात क्या है कि देखिए प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि भारत को नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के जनता के समस्याओं का समाधान यात्रा करके नहीं बल्कि बैठकर मीटिंग कर बातचीत करके होगा। आपको बताया पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पर हमलावर है। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर महागठबंधन सरकार पर उनकी टिप्पणी आती रहती है, बयान आते रहते हैं। हालिया मामले में आपको बताया कि आरसीपी सिंह शेखपुरा पहुंचे हैं, जहां मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस समाधान यात्रा पर निकले हैं उसमें वो तो जनता से मिलते ही नहीं है, जनता के से रूबरू तो होते ही नहीं है, तो ये कैसे समाधान यात्रा है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोगों के साथ, जनता के साथ बैठकर उनसे बातचीत कर उनके समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए, तब जाकर के ये जो समाधान यात्रा है ये असल समाधान यात्रा बनेगी। कोई यात्रा कर लेने से लोगों की यानी बिहार की जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो बजट पेश किया गया था बीते दिनों, ये बजट बिहार के लिए से लेकर के देश के लिए काफी लाभदायक होगी, लाभकारी होगी। उन्होंने कहा कि हमारा भारत अर्थव्यवस्था के मामले में पांचवें पायदान पर पहुंच गया, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार, आपको बताया आरसीपी सिंह हमलावर होते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के बिहार के पुलिस प्रशासन पे, बिहार के सुरक्षा व्यवस्था पर, इतना ही नहीं शराबबंदी कानून पर भी आरसीपी सिंह की लगातार बयान आती रहती है। इसी में जो हालिया बयान हमने आपको सुनाया ये शेखपुरा से, जहां आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पर बोलते नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं आरसीपी सिंह, बजट के मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा, और इतना ही नहीं समाधान यात्रा को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको छोड़े जाते हैं उनकी पूरी बातों पर। अब स्वाभाविक है कि देखिए अभी तो जो बिहार में समस्याएं हैं उसका निदान यात्रा से नहीं निकलेगा, उसके लिए बैठ कर करके, सोच कर कर करके, नीति बना कर करके, उसके लिए संसाधन इकट्ठा कर कर करके, सब लोगों को साथ लेकर करके चलना पड़ेगा, तब जा कर के समस्या का समाधान होगा। नीति में जो भी किसी के साथ बात हो, बात स्पष्ट होनी चाहिए, भीतर कुछ बाहर कुछ नहीं होना चाहिए, और इसीलिए परेशानी होती है। आलोक मेहता का बयान आ रहा है अगला पिछला का 10% लगड़ा था। अरे छोड़िए, देखिए वो लोग 70 का कैसेट बजाते हैं जी, दुनिया और बिहार कहाँ चला गया? आप बच्चों को रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, निवेश आना चाहिए, पूंजी निवेश होना चाहिए, उद्योग धंधे लगने चाहिए, और लोग दिन भर जातियाँ गिनते रहते हैं। तो ये तो कोई अच्छी, भाई आलोक मेहता जी पढ़े लिखे हैं, उनसे मैं उम्मीद करता था कि भाई जो बिहार के मुद्दे हैं और खास करके सहकारिता मंत्री है, सहकारिता के माध्यम से बिहार का बहुत काम हो सकता है, तो उस काम में लगिए ना। कहाँ दिन भर जात में लग गए हैं, मुद्दे हैं और खास करके सहकारिता मंत्री है, सहकारिता के माध्यम से बिहार का बहुत काम हो सकता है, तो उस काम में लगिए ना। कहाँ दिन भर जात में लग गए हैं। अगला कदम बहुत स्पष्ट है, मैं बिहार में सब जगह जा रहा हूँ, अपने साथियों से विचार विमर्श कर रहा हूँ, संवाद कर रहा हूँ, हमारी रैलियाँ भी हो रही हैं, और कदम तो स्पष्ट है ना जी। मैं महागठबंधन में तो जाने वाला नहीं हूँ, तो उसके बाद तो आप जानते बनेगी या फिर सम्मिलित होने वो आप देखिए, आप सब जान जाइएगा। सर ये बजट पर, सर बजट पर क्या प्रक्रिया है? ये बजट देखिए बहुत ही शानदार बजट है। सबसे अच्छी बात क्या है कि देखिए प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। आप किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए, मैं बार बार कहता हूँ कि वही भारत है जिस पर अंग्रेजों ने 200 वर्षों ज़्यादा तक शासन किया, और हमारी आज आर्थिक व्यवस्था कैसी है कि हम दुनिया के पांचवें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।